पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। रिश्ता ऐसा हो जो जज्बात से जुड़ा हो, बिना मुलाकात बिना बात के भी जुड़ा हो। मिलना बिछड़ना तो नसीब की बात है, रिश्ता सच्चा वो होता है जो एक दूसरे की खुशी और एक दूसरे पे विश्वास से जुड़ा हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे शो में, जिसका नाम है रिश्तों की डोरी। और मैं इस शो की होस्ट, आप सभी की दोस्त ममता कर्नाटक। आज हम बात करने वाले हैं ट्रस्ट इन रिलेशनशिप, यानी विश्वास। दोस्तों, कहने को तो विश्वास सिर्फ एक शब्द है, पर वास्तव में ये वो नींव का पत्थर है जिस पर हमारे रिश्ते की एक खूबसूरत इमारत खड़ी होती है। आइए अपनी इस इमारत को और खूबसूरत और मजबूत बनाते हैं, और हमारे स्टूडियो में हमारी आज की स्पेशल गेस्ट शुभांगी वशिष्ठ जी को बुलाते हैं, जो एक बॉडी माइंड एंड सोल कनेक्शन कोच है। शुभांगी जी, पूरे उत्साह के साथ आपका रिश्तों की डोरी शो में एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच ममता जी। और मैम, हम हमेशा की तरह अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। हर रिश्ते की बुनियाद होता है विश्वास। विश्वास जितना गहरा और अटूट होता है, रिश्ते उतने ही मजबूत होते हैं। विश्वास एक रिश्ते को हर स्थिति में बांधे रखता है, और वहीं अगर रिश्तों में विश्वास ना हो तो उनमें तनाव आने में ज्यादा देर नहीं लगती। नतीजतन ये तनाव रिश्तों को खोखला कर देता है। ये तो तय है कि रिश्तों में विश्वास का होना बेहद जरूरी है, लेकिन फिर भी क्यों इस भरोसे की कमी हर रिश्ते में देखने को मिलती है? आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो शुभांगी जी, जैसे आज का हमारा टॉपिक है विश्वास के ऊपर, तो शुरुआत भी इसी सवाल से करते हैं कि रिश्तों में विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। जी, तो उससे पहले मैं कहूँगी कि पहले हम विश्वास को समझते हैं कि विश्वास है क्या। क्योंकि विश्वास क्या है, एक मेंटल सेंस है सेफ्टी की, जो कि आपके जीवन को लेकर हो सकती है, जो कि आपके दूसरे लोगों के साथ हो सकती है, किसी स्थिति को लेकर हो सकती है, या जीवन को लेकर हो सकती है। पर हम क्या सोचते हैं, विश्वास क्या है, एक बाहरी चीज़ है कि लोग अगर मेरे पे करेंगे तो मैं करूँगा। हम उसको भौतिक रूप पर देखना चाहते हैं, बट ये है एक मेंटल सेंस, एक मेंटल एटीट्यूड मैं कहूँगी जो कि है। क्योंकि अगर बाहरी सिचुएशन तो बदलती रहेंगी या लोग भी बदलते रहेंगे, हमारे हाथ में उनका कंट्रोल नहीं है। बट कंट्रोल है मेरी स्थिति का, कि अगर बाहर अगर कोई विश्वास नहीं भी कर रहा, पर अंदर मेरे क्या चल रहा है, क्या मुझे खुद पर विश्वास है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने पर विश्वास नहीं रखता हूँ, क्या मुझे जीवन को लेके विश्वास है कि नहीं, क्योंकि जीवन में चुनौतियाँ आती रहती हैं, हमें उनका सामना करना है, तो उसे सामना करते हुए मैं अंदर जीवन को लेके क्या विश्वास रख रहा हूँ। क्या मेरा विश्वास है कि जीवन तो हमेशा अनफेयर करता है, कि जीवन हमेशा मेरे साथ कुछ गलत ही करता है जो भी हो रहा है, क्योंकि मैंने एक स्थिति बना ली है, एक बिलीफ बना लिया। जी, कि सब गलत है। जी, कि सब गलत है या मेरे साथ ही गलत होता है, तो जीवन भी हमें वही परिस्थितियां लेकर आएगा। तो ये बाहरी चीज है, पर जो नहीं बदलता वो है हमारी मानसिक स्थिति, कि हमारा विश्वास अपने ऊपर क्या है, लोगों के ऊपर और सिचुएशन को लेकर। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हम जिस तरह का लेंस पहन रहे हैं अपनी आंखों में, हम उसी तरह से दुनिया को देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है कि आपने कैसा चश्मा पहन रखा है जी। है ना, तो अगर किसी ने हरा चश्मा पहना है तो उसे तो हरा ही संसार दिखेगा, अगर किसी ने नीला पहना है तो उसे नीला दिखेगा। और हम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि नहीं, वो हरा है वो नीला है, पर गलत कोई भी नहीं है। देखने का तरीका, आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज को देखने का,
उसके पीछे आपने क्या धारणा बनी है, क्योंकि हमारी धारणा भी दो तरीके से बनती है। मैं आपको बता दूं, जो हमारी जो ये बिलीफ होते हैं, पहला बिलीफ होता है जिसको हम बोलते हैं इंडॉक्ट्रिनेट बिलीफ। इंडॉक्ट्रिनेट बिलीफ होता है कि जब हमारे साथ कुछ घटना नहीं घटी है पर हमारे प्रियजनों के साथ कुछ घटना घटती है, जिसके आधार पर हम एक धारणा बना लेते हैं। मतलब हम दूसरों के एक्सपीरियंस से अपनी एक मेंटल बिलीफ बना लेते हैं। बिल्कुल, जैसे उदाहरण के तौर पर कि मेरे घर में मेरे चाचा चाची हैं, ठीक है, उन्होंने एक बिजनेस करा मेरे चाचा ने किसी के साथ और वहाँ पे धोखा खा लिया, और वो इसी कहानी को सबको बताते हैं कि मुझे तो ऐसे बिजनेस में धोखा करा, बिजनेस नहीं करना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए, वो सेफ्टी है कि आपको महीने के एंड में आपको पता है कि आपको इतनी सैलरी मिलनी है, बिजनेस का कुछ नहीं पता है। तो ऐसे ही वो बच्चा सुन रहा है, है ना, वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है जो इन बातों को सुन रहा है, तो उसके अंदर ये धारणा बन सकती है कि हाँ मैं आगे जाके बिजनेस तो बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि उसमें धोखा मिलता है, मैं तो सर्विस में ही जाऊँगा। तो इस धारणा को, इस बिलीफ को हम बनाते हैं, इंडॉक्ट्रिनेट बिलीफ बोलते हैं। और दूसरा जो हमारे बिलीफ बनता है उसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल बिलीफ। एक्सपीरियंशियल बिलीफ होता है कि जो हमारे साथ हुआ हो, हमने कभी उसको एक्सपीरियंस किया हो, उसके आधार पर मैं अपनी एक धारणा बना लेती हूँ। फिर अब हम आगे जब भी जाएंगे किसी रिश्ते में तो वो इंसान क्या करेगा, बड़ा कॉशियस रहेगा क्योंकि उसने वो एक्सपीरियंस कर लिया और उसी से ही वो जीवन को जीने की कला करेगा। तो इन दो तरीके से हम धारणाएं बना लेते हैं। तो ऐसे ही विश्वास का भी धारणा है कि आपने विश्वास को लेके आपके पीछे अनुभव कैसे रहे हैं, लोगों को लेकर, जीवन को लेकर और सबसे बड़ा अपने आप को लेकर। तो उस वजह से हम आगे भी फिर रिश्ते वैसे बनाते हैं। और मैं कहूँगी ट्रस्ट एक पिलर है रिलेशनशिप में। जितना मजबूत स्तंभ होगा उतनी ही ऊपर आप इमारत बना सकते हो। तो मैं कहूँगी प्यार से पहले ट्रस्ट आता है एक रिश्ते में। अगर रिश्ते में विश्वास नहीं होगा तो कहीं कहीं प्यार भी नहीं होगा। तो अगर हमें प्यार तक या अपने रिश्ते में हमें ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहली सीढ़ी मैं कहूँगी वो होती है विश्वास की। तो इमारत का सबसे पहला ईंट विश्वास का रखा जाए। बिल्कुल, तो उसी से ही फिर हम आगे ईंटें रख सकते हैं, जो कि प्यार की हो सकती है, कनेक्शन की हो सकती है, पेशेंस, कम्युनिकेशन, बिल्कुल ये सब आएगा, एक्सेप्टेंस। बिल्कुल, तो पहले है विश्वास का आना। तो बहुत जरूरी है हमारे रिश्ते में, कोई भी रिश्ते में, चाहे वो आपका पर्सनल रिश्ता हो, प्रोफेशनल रिश्ता हो, उन सब में विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं कहूंगी। जी, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, बिल्कुल कोई भी रिश्ता। पर महत्वपूर्ण है, ये सब जानते हैं कि विश्वास का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है रिश्तों में, पर फिर भी ये जो एक भरोसा है इसकी कमी क्यों देखी जा रही है? जी देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हम अपने रिश्तों में विश्वास की कमी को क्यों महसूस कर सकते हैं। तो उसके कुछ कारण मैं आपसे साझा करना चाहूँगी कि पहला हो सकता है कि आपको कोई बिट्रेल मिला हो, धोखा मिला हो। तो क्या होता है कि अगर मेरे को कहीं पर धोखा मिला है और तो मैं आगे जाकर भी हर चीज़ में पहले ही मेरे गार्ड्स खड़े हो जाएंगे, है ना। कोई चीज़ मैं करने जाऊंगा या किसी रिश्ते में जाना चाहूंगा तो मेरे अंदर वही जो पीछे अनुभव हुआ है, मेरे अंदर दिमाग में एक घंटी बजेगी कि अरे फिर तो नहीं कहीं धोखा हो जाएगा। तो मैं क्या रहूँगा, कॉशियस रहूँगा और थोड़ा डाउट भी करता रहूँगा, या अपने रिश्ते में कोई और है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि कोई एक पार्टनर है आपका जो चीज़ों को, जिनको ऐसा बिट्रेल मिला है, तो वो क्या करेंगे, वो चीज़ों को छुपाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको लगेगा अगर मैं बताऊंगा तो मेरी कोई गलती हुई है तो ये मेरे से दूर चले जाएंगे, मुझे धोखा दे देंगे, ये चले जाएंगे मेरे जीवन से। तो या तो क्या होता है, वो इंसान छुपाता है चीज़ों को, सच को नहीं बताता, जिससे क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है हमारे रिश्तों में। तो वो फिर दूसरे पर भी प्रभाव देती है क्योंकि एक डिसकनेक्शन बनने लगता है जी, कि विश्वास को लेके कि ये तो मुझसे कुछ नहीं बताते, छुपाते हैं, सीक्रेट्स रखते हैं, क्योंकि क्यों रखते हैं, क्योंकि उनका ऐसा अनुभव पीछे रहा है, इसलिए वो अपने आप को इतना खुल के बता नहीं पाते अपनी चीजों को। तो बेसिकली रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी डेवलप होने के लिए विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल, वही सेकंड जो आपने कहा मैं उसी पे ही आ रही थी कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रखना, कि जैसे कि क्रिस्टल होता है,
तो आप उसके अंदर भीतर क्या है पूरा क्लियरली देख सकते हो। तो ऐसे ही हमें रिश्तों में भी रहना है कि एक ट्रांसपेरेंसी हम रखें, ये नहीं कि छुपे रहे या अपनी फीलिंग्स को जो आप बताना चाहते हैं अपने दूसरे इंसान को खुलकर बताएं, क्योंकि हम नहीं बता पाते कि हमारे ऐसा अनुभव होता है कि नहीं हम ज़्यादा खुल जाएंगे अपनी चीज़ों को बताने लगेंगे लोग फ़ायदा उठा लेंगे या उन चीज़ों को वो लाइटली लेंगे, अगर मैं अपनी गलतियों को भी बता दूंगा तो आगे जाके वो इसका यूज़ कर सकते हैं मेरे अगेंस्ट, तो हम खुलते नहीं हैं। तो क्योंकि रिश्ता होता ही है कि हम इस रिश्ते में आए जहाँ पर एक खुलापन हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएं, वो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू ही होता है। और इसके बारे में जैसे और क्या कारण हो सकते हैं, और होते हैं जैसे जेलसी और पोसेसिवनेस। जी रिश्तों में हाँ ये बहुत देखा जाता है पोसेसिवनेस, कि हम बहुत जल्दी पोसेसिव हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति को लेकर, यहाँ तक कि सिचुएशंस को लेकर भी हम हो जाते हैं, अपनी स्टेटस को लेकर हो जाते हैं पोसेसिव हो जाते हैं। तो हमें क्या होता है कि जेलसी लगता है कि लोग, जैसे एक रिश्ते में एग्जाम्पल के तौर पर कि मेरी गर्लफ्रेंड है ठीक है, और वो मेरे साथ, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप है, और मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ा बिजी हो रही है, लोगों से बात कर रही है, बाहर अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये डर लगने लग जाता है कि ये बाहर जा रही है कहीं और किसी और के साथ तो नहीं ये अपना रिश्ता बना लेगी या मुझे छोड़ तो नहीं देगी। तो क्या होता है वो जेलसी आने लग जाती है, वो पोजेसिवनेस, और हम उसको क्लिंगी बन जाते हैं उस चीज़ के नीचे कि अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं 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 तुम मेरे साथ ही रहोगी, तुम क्यों जाती हो बाहर, क्वेश्चन बार बार पूछना फ़ोन करके कहाँ पर पहुँची किसके साथ हो। तो वो पर्सन सोचिए जो दूसरा है वो कब तक इस चीज़ को लेगा एक प्रेशर को, तो उसका भी एक बांध टूट जाएगा, वो कहेगा मैं नहीं इस रिश्ते में रह सकता जहाँ पर इतना तुम पे विश्वास नहीं है मुझ पर कि मुझे बार बार हर छोटी चीज़ को बताना पड़ता है कि मैं किसके साथ बैठी हूँ या किसके साथ जा रही हूँ बाहर। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से आता है। तो ये जेलसी और पोजेसिवनेस भी एक कारण हो सकता है कि जिसपे विश्वास की कमी आती है। और अगर मैं दूँ आपको इसके कारण कि कैसे हम लैक ऑफ इंटरेस्ट लाते हैं, और होता है हमारा पास्ट ट्रॉमा, कि जैसे पीछे अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है रिश्ते में, कोई कमिटमेंट नहीं कर पाए और जिससे वो रिश्ता टूट गया, बट क्या होता है हम फटाफट दूसरे रिश्ते को बनाने में लग जाते हैं कि फटाफट वो टूटा अब मुझे तो अपने जीवन में कुछ और चाहिए, या अपने प्रेशर हमारे यंगस्टर्स जो लोग होता है ऐसा ही होता है कि एक गर्लफ्रेंड गई तो उनको होता फटाफट मूव ऑन कर रहे हो। वो कहावत या वो सेइंग कितनी वो हो गई कि गाड़ी के लिए लड़की के लिए इंतजार मत करो कि आगे बढ़ते रहो फटाफट सवारी लेते रहो, है ना। तो बट वो आपको अगर कोई ब्रेकअप हुआ है आपको उसका समय लेना चाहिए एक नया रिलेशनशिप में जाने के लिए, क्योंकि हम अगर वो नहीं लेंगे वो ही सेम मिरर करेगा दूसरे रिश्तों में भी हमारे। तो हम पास्ट ट्रॉमा को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। अगर आपका हर्ट हुआ है उस रिलेशनशिप से, कुछ अब्यूसिव रिलेशनशिप था जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, पेन मिला, हर्ट मिला, पहले उस पेन हर्ट पे काम करिए, क्योंकि अगर आप उस हर्ट को ही लेके दूसरे के पास जाएंगे वहाँ पे भी हर्ट क्रिएट करेंगे। और उस रिश्ते से अगर आप कमिटमेंट हो गई, शादी कर ली, तो सोचिए जो बच्चा आ रहा है उस पे भी वो हर्ट का इफेक्ट आएगा। तो ये ट्रॉमा जो होता है वो ट्रैवल करता रहता है, कि ये नहीं कि वो बस मेरे तक रह गया, क्योंकि आगे हमारी जनरेशन हमसे ही बनती है, तो वो ट्रॉमा आगे, हमारे रिसर्च में देखा गया है कि वो ट्रॉमा जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल होता है, कि अगर किसी ने पीछे अगर कोई पैटर्न, किसी की रिश्ते टूटे हैं या शादी टूटी है, तो कहीं ना कहीं नीचे की जनरेशन में रेजोनेंस फील होती है, वो पर्सन उस पर्सन से रेजोनेट करेगा जिसने शादी टूटी या कमिटमेंट से भागता है। तो आगे की जनरेशन में हम देख सकते हैं कि लोग कमिटमेंट से भागेंगे, भाग रहे हैं, हाँ भागते हैं, है ना, भाग रहे हैं, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे ऐसा ट्रॉमा उनके जनरेशन में रहा है, बट हम अपनी जनरेशन से ये चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, एक सीक्रेट के जैसे रखते हैं, बट DNA के थ्रू हमारे वो ट्रैवल कर रहा है, एनर्जी तो ट्रैवल कर रही है हमारी, बिल्कुल। तो वो उस ट्रॉमा पे हमें काम करना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं करते तो आगे भी फिर लैक ऑफ ट्रस्ट हमें, इशूज़ हमें फेस करने को मिलते हैं। और जैसे बोला लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, वो तो
हर चीज की जड़ में है मुझे लगता है। कि अगर बातचीत आप नहीं करते, कैसा महसूस आप कर रहे हैं, क्या फीलिंग हो रही है, क्या भाव आ रहे हैं आपके अंदर, अगर आप किसी और से वो उस बारे में बात नहीं करेंगे, अपने अंदर में दबाए रखेंगे, तो फिर उसको भी एक डिस्कनेक्ट फील करेगा दूसरा पर्सन कि ये तो कुछ बताते नहीं है, कुछ यू नो हमेशा चुप रहते हैं, रिजर्व्ड रहते हैं, तो वो भी फिर विश्वास थोड़ा कम होने लगता है कि ये कुछ नहीं शेयर करते अपने जीवन के बारे में, या अपने जॉब के बारे में भी हम किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी चीज़ें कारण बनती हैं हमारे विश्वास को कम करने की रिलेशनशिप में। मैम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, दिमाग में सवाल आ गया कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि अगर रिश्तों में विश्वास की कमी है तो कहीं ना कहीं वो असुरक्षा की भावना हमारे अंदर उत्पन्न करता है। जब हमारे अंदर इनसिक्योरिटी होती है तो विश्वास की कमी ऑटोमेटिकली झलकती है रिश्तों में। बट ये क्या ये इंटर रिलेटेड है कि मतलब अगर कुछ लोग बोलते हैं कि विश्वास की कमी है इसकी वजह से इनसिक्योर हो रहे हैं हम, और कुछ बोलते हैं कि इनसिक्योर हैं हम ऑलरेडी अंदर से इसलिए विश्वास की कमी हो रही है, तो सच क्या है मतलब? जी बिल्कुल, बहुत सही आपने ये प्रश्न करा है, क्योंकि सबके अंदर ये दुविधा रहती है। हाँ ये दुविधा है कि क्या है, कि बाहर से अंदर की ओर आ रहा है कि अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, कि विश्वास की कमी की वजह से इनसिक्योरिटी आ रही है कि इनसिक्योरिटी की वजह से विश्वास की कमी हो रही है। जी जी, तो मैं कहूँगी सबसे पहले क्योंकि कहीं ना कहीं इनसिक्योर है तभी विश्वास की कमी आ रही है, क्योंकि हम अपने लिए इसके भी बहुत कारण हो सकते हैं इनसिक्योरिटी के। जैसे कि पहला कारण है कॉन्स्टेंटली हम डाउट करते हैं कि हर कोई सिचुएशन या लोगों को लेकर हम हमेशा एक धारणा बना लेते हैं और उसको हमेशा डाउट करते रहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि डाउट करना, कि जैसे कोई एम्प्लॉय है तो हम दोनों अपने ऑफिस में, और मेरा फ्रेंड है एम्प्लॉय, हम दोनों हैं, और मेरा जो फ्रेंड है और वो कि बॉस के कैबिन में जाता है और उससे बात करता है, मेरे अंदर एक घंटी कटक जाती है कि ये क्या बात कर रहे हैं, कुछ मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं, अरे मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी। मतलब इनसिक्योरिटी आपको फील होने लग जाती है, और ये क्या है, कॉन्स्टेंट डाउट आपको अपने, क्योंकि आपको नहीं लगता कि आप कि लोग इतने वर्दी भी हैं और कि वो कोई और भी बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि क्या पता वो आपके बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मेरे को ही अपने पे विश्वास नहीं है, अपने काम पर विश्वास नहीं है, तो मैं दूसरों को भी उस चीज में जज करने लग जाता हूँ कि शायद ये ऐसा हो रहा हो, या फिर रिलेशनशिप में पति कहीं बाहर फ्रेंड्स के साथ, मेल फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो क्या होता है, बीवी को डर लगने लग जाता है कि ये तो बहुत दोस्तों के साथ जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ कौन कौन होंगे, कोई और तो नहीं होंगे। क्यों डाउट है? क्योंकि अपने ऊपर वो इनसिक्योरिटी है, तो हमें अपने अंदर देखना है कि ये इनसिक्योरिटी का भाव क्यों आ रहा है, चाहे वो अपने मेल फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं बट हमारे अंदर कुछ चलने लगता है तो कि वो इनसिक्योरिटी से आ रहा है। दूसरा आ सकता है कि हम कभी कभी हम ओवर एनालाइज करने लग जाते हैं दूसरे का बिहेवियर, ओवर थिंकिंग या ओवर एनालाइज करते हैं दूसरों का बिहेवियर, कि उसमें क्या करते हैं, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही उदाहरण देती हूँ मैं आपको, जो गर्लफ्रेंड है वो अपनी पार्टी में है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बट वो कॉन्स्टेंटली टेक्स्टिंग कर रही है, मैसेज कर रही है किसी को, तो उधर जो बॉयफ्रेंड होगा वो एनालाइज करने लग जाएगा उसका बिहेवियर कि इतनी देर ये मैसेज कर रही है, ये किससे बात कर रही है, मैं यहाँ पर हूँ, इसका ध्यान कहीं और है, ये तो किसी को मैसेज करी जा रही है, तो क्या इनसिक्योरिटी आने लग जाएगी कि कहीं ये मेरे को छोड़ तो नहीं रही है, कहीं और किसी से बात तो नहीं कर रही है। तो क्या है, हम किसी के बिहेवियर को इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि हम उसके वर्स्ट तक सोचने लग जाते हैं आउटकम, कि ये मुझे छोड़ देगी, यहाँ तक कि अगर मैसेज कर रहे हैं और वो ऑनलाइन होकर जवाब नहीं दे तो भी हम सोचने लगते हैं कि ऑनलाइन है पर मुझे जवाब नहीं आ रहा है, तो क्या चक्कर है, तो क्या है, क्योंकि ओवर एनालाइज करते हैं हम, ओवर थिंक करने लग जाते हैं चीज़ों को, चाहे वो अपनी फ्रेंड से नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रही हो अपनी गर्लफ्रेंड से, है ना, तो अपनी गर्ल किसी फ्रेंड से कर रही हो, तो हम उसको ओवर एनालाइज, तो जब भी हम करें तो वो इनसिक्योरिटी लाता है, जब भी हम किसी चीज़ को ओवर थिंक करते हैं या ओवर एनालाइज करते हैं। और दूसरा जैसे कि हम क्या करते हैं, ओवर कंपनसेट करते हैं रिलेशनशिप में, वो भी इनसिक्योरिटी से ही निकला है, कैसे कि हमें लगता है कि ये कहीं हमें छोड़ ना दे तो हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे रिश्ते में,
वाओ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। ये एक्चुअली होता है हाँ, कि हम ओवर कंपेंसेट करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं मैं इसका सारा काम करूंगी, ये मेरे साथ ही सारा दिन रहना चाहिए, क्लिंगी हो जाना उसके साथ करना कि नहीं नहीं मैं जो तुम्हें चाहिए देना, अच्छा गिफ्ट चाहिए तुम्हें दे दो, क्योंकि डर कहीं छुपा है। क्योंकि जब भी हम कभी ओवर देते हैं उसके पीछे की इंटेंशन होती है कि मुझे तुमसे क्या मिलेगा, जो मैं मांग रहा हूँ वो प्यार हो सकता है ना, वो सेफ्टी फीलिंग हो सकती है, वो सिक्योर फीलिंग हो सकती है, कई बार इमोशनल सिक्योरिटी भी हमें चाहिए होती है ना, इमोशंस कई बार हम उसकी वजह से भी जी कि हमें कहीं इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो हम ये ओवर चीजें करने लग जाते हैं। क्योंकि ओवर में फिर क्या होगा, दूसरा पर्सन को होगा कि इतना ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर, हर चीज वो तुमसे पूछेंगे, वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा जो मैंने किया ठीक किया ना, कैसे करूं मैं, कोई घर में आता है और वाइफ का सिंपल क्वेश्चन हस्बैंड को बार बार, क्या बनाऊं मैं, गेस्ट आने वाले हैं घर पर, हाँ कि मैंने क्या पहनूं मैं, वो आने वाले हैं क्या, ये मेरे पे, तो हर चीज बार बार पूछना, एक पर्सन को लगेगा तुम खुद क्यों ये डिसीजन लेती हो, हर चीज तुम मेरे से ही पूछती रहती हो और मेरे ऊपर वैलिडेशन देती रहती हो, और जब वो नहीं बताएंगे तो उनको इनसिक्योर कि आज इन्होंने बताया नहीं, बस अब सारा दिन सोचते रहो कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्या हो रहा है उनके साथ। तो हम क्या करते हैं, ओवर कंपेंसेट करने लगते हैं, और ओवर कंपेंसेशन की पीछे की इंटेंशन होती है इनसिक्योरिटी, तभी हम ओवर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है फियर ऑफ अबैंडनमेंट से, फियर ऑफ लूजिंग भी तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, फियर ऑफ लूजिंग यही हो गया, ओवर कंपेंसेट क्यों करें कि कहीं हाँ, छोड़ ना दे। हाँ। हाँ। तो कहीं ना कहीं तो फियर इनसिक्योरिटी का यही है कि या तो कोई मुझे छोड़कर चला जाएगा, मुझे फिर से धोखा दे देगा, या मैं फिर अबैंडनमेंट फील करूंगा। अबैंडनमेंट क्या है, यही है कि मेरे को फिर से छोड़ा गया, मैं अकेला रह गया, मुझे छोड़ के चले गए। तो फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी हमारे बहुत अलग चीज़ों से आ सकता है, जैसे हमारे बचपन से आ सकता है, कि जैसे माँ बच्चे को जब जन्म देती है तो हमारे रिसर्च में कहते हैं कि बच्चे को माँ के पास कुछ समय के लिए देना चाहिए ताकि उसको सेफ फीलिंग लगे। पर हम क्या करते हैं, डॉक्टर उनको क्लीनिंग के लिए या फिर उनको अलग से रूम में जैसे इनक्यूबेटर्स में रख देते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रख देते हैं। तो एक बच्चे की धारणा बन जाती है अबैंडनमेंट की, कि मैं अकेला रह गया, मेरे यहाँ सेफ्टी फीलिंग नहीं है, क्योंकि माँ के स्पर्श को तो वो जानता है, 9 महीने से पहले से उसका एक कनेक्शन माँ के साथ चल रहा है। ओह माय गॉड, तो वो फीलिंग, वो धारणा वहां से भी शुरू मतलब हो सकती है। मतलब ये इनसिक्योरिटी बच्चा उसी समय फील करता होगा जब उसे, जिस गर्भ में वो 9 महीने रहा है और सडनली उसको वहां से निकाल कर आप कहीं और ले जा रहे हो, तो वही इनसिक्योरिटी आ गई, वही आ गई, वही फियर ऑफ अबैंडनमेंट आ गया कि मुझे तो सब छोड़ देते हैं, तो आगे भी रिश्तों में उसको ये डर लगेगा कि कहीं ये छोड़ ना दे मुझे, मुझे फिर छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, या मेरे जॉब के लिए इनसिक्योरिटी है कि मेरे हाथ से ये जॉब चली जाएगी, मुझे फिर अकेला रहना पड़ेगा। तो फियर ऑफ अबैंडनमेंट बहुत पीछे से इसकी रूट, मैं कहूँगी जड़ हो सकती है, जैसे मैंने बोला कि जब आपने जन्म लिया तब ही ये धारणा बन गई कि मेरे को सेफ फीलिंग नहीं थी, इसलिए वो इनसिक्योरिटी अभी भी आपके साथ चल रही है, चाहे वो रिश्ते हो, आपकी जॉब हो, या आपका कोई भी रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो, तो ये अबैंडनमेंट वहाँ से आ सकता है। तो इसलिए हम असुरक्षित महसूस करते हैं अपने रिश्तों में। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि ये कहाँ से फियर ऑफ अबैंडनमेंट आ रहा है जिस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। और इनसिक्योरिटी का रीज़न जो हो सकता है वो होता है इमोशनल डिटैच हो जाना। जैसे कुछ व्यक्ति जिनको पीछे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि उन्होंने अपने दिल की बात किसी को कही और उसने वो भरोसा तोड़ दिया और वो बात जाके किसी और जन को कह दी, तो उससे क्या हुआ, उसका वो ट्रस्ट ब्रेक हो गया। तो उसको लगेगा कि अब मुझे किसी को अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कहीं किसी को बताने नहीं है। तो वो इमोशनली डिटैच रहेंगे रिश्तों में, कि ऐसे बन के रहेंगे कि आपको पता ही नहीं है कि उनके अंदर क्या चल रहा है या वो सोचते क्या है रिश्ते को लेकर। तो वो दूर रह कर रहते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते। तो
वो फिर रिश्तों में भी तनाव लाती है। तो ये सारे कारण कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं कि हमें खुद को देखना है कि ये कहाँ से आ रहे हैं और उस पर हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम नहीं काम करेंगे तो हम जहाँ जाएंगे, जिस रिश्ते में भी जाएंगे, इन्हीं ट्रॉमा को, इन्हीं बिलीफ सिस्टम को लेकर हम नए रिश्ते बनाएंगे और वो फिर वैसे ही बनते चले जाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं जागरूक होकर अपने आप से सवाल करना है, इन पे काम करना है, तभी हम अपने रिश्तों को और बेहतर और विश्वास उनके अंदर ला सकते हैं। जी मैम, बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपने बहुत क्लैरिटी हमें और हमारे दर्शकों को दी है, और अभी तो बहुत सारे सवाल बाकी हैं जी। तो इसके लिए हमें अगले एपिसोड तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ममता जी। तो दोस्तों, आज हमने शुभांगी जी से बात करके एक खास बात जानी कि विश्वास, जो हम हमेशा लोगों में और रिश्तों में ढूंढते हैं, वो हमें लोगों में और रिश्तों में नहीं ढूंढना, बल्कि अपने अंदर क्रिएट करना है। क्योंकि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम यकीनन दूसरों पर और लोगों पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास करें, दूसरों पर विश्वास करें, अपने जीवन पर विश्वास करें और रिश्तों में इनसिक्योरिटी को जगह न लेने दें। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलने का वादा है। क्या करें, आपसे मोहब्बत ही कुछ ज़्यादा है। बाय बाय।